कभी धरती नहीं धैर्य को त्यागती, अरे कभी धरती नहीं धैर्य को त्यागती, त्यागता है नहीं सिंधु गंभीरता। और अरे कोई हिम्मत सा जग में न हथियार है, अरे वीर लोहू में मिलती विपुल वीरता। तो जबकि रीवा के राजा रहे सज्जन सिंह, अरे सुंदरी हुस्न मलिका थी राजकुमारी, रहा जिसका प्रेमी पड़ोसी दीवाना, मोहब्बत का जो बन गया था पुजारी। भाई साहब, रीवा नगर के राजा सज्जन सिंह, उनकर बिटिया चंदा, चंदा ये तनी नीक बताई बात हो, तो बड़ा अटपट बोल गई ला, कहते कि इनके कुछ मालूम ना जौना हो तो खाली रस बताओ तो अंडा कबंडी, हम जो गवत ही तू कुछ कहो चल जा। सज्जन सिंह का बिटिया चंदा, जितना सुंदर चंदा का नाम बा उतना सुंदर चंदा रहल भी। तो दू लाइन कवि जी चंदा के सुंदरता का वर्णन दिलन तर्ज है बा, अरे सब कुछ हमें अल्लाह के दिलवर ने दिया है, कि अरे कुरान मदीने के पैगंबर ने दिया है। यही के तरीके लोग बदल करके फिल्म माँ में गावत हमन, कि अरे बरसात में आएगा जब सावन का महीना, बरसात में आएगा जब सावन का महीना, हर साजन को बनाऊंगी अंगूठी का नगीना, सरत सजाए बैठी हसीनों की की अरे हसरत सजाए बैठी हसीनों की हसीना, कि अरे देखा जो नजर आए उसे मक्का मदीना। ये चंदा के देख ले नजर भर के ओके बुझा कि मक्का मदीना लौकत भाई तनी नीक रहल, लेकिन भाई साहब जब नीक रहल आखिरी झगड़वा काहे बदल लग गई। बतौलिन की एक पड़ोसी वही गांव का नौजवान रहल जौने का नाम रहल चेतन सिंह, तो चेतन और चंदा में प्यार चलत रहल, लेकिन चूंकि चंदा एक राजा का लड़की, चेतन एक गरीब परिवार के लिए मुलाकात न हो पौलन। लेकिन भीतर भीतर चंदा चेतन के चाहे, चेतन चंदा के चाहे, झगड़ा ए लिए लग गई कि राजा सज्जन सिंह अपने बिटिया चंदा का साथी पड़ोसी राजा हरिपाल से तय कर दिलन। यहां थोड़ा कभी भाव लेना स्टोरी के साथ साथ क्या, अरे सज्जन की सुंदर सयानी, चंदा के रूप की रानी, सीने में प्यार का सदमा, अरे बल खाए उमर जवानी। अरे चंदा को चाहने वाला, चंदा को चाहने वाला था चेतन सिंह निराला, चंदा को चाहने वाला था चेतन सिंह निराला, नजरों में बसाए उल्फत पी रहा प्यार का प्याला, लेकिन तो रही गरीबी जिससे ना हुई करीबी, लेकिन तो रही गरीबी जिससे ना हुई करीबी, चंदा होने वाली थी हरिपाल सिंह की बीबी, चंदा होने वाली थी हरिपाल सिंह की बीबी, रो रही मंजरी प्यासी, रो रही मंजरी प्यासी, मधुकर भी रहा उदासी, मैहर मंदिर में पहुंचा, मैहर मंदिर में पहुंचा वो बनकर के सन्यासी, बोला है तान कटारी, बोला है तान कटारी, लो माता बली हमारी, बोला है तान कटारी, लो माता बली हमारी, अरे तब तक पहुंचे है उदल मोहबा कबीर बलकारी। भाई साहब मुड़िया काम कर पठे,
अपने बिटिया चंदा के शादी हरिपाल राजा से तय कर दलन। तब चेतन सिंह सोचे थे कि हमारी जिंदगियां बेकार हो जाएगी, चंदा के अभाव में हम जियब कैसे। तो उसे बेटर हो, बेहतर यह हो कि अपन जिंदगियां चल के मैहर देवी के मंदिरवा में दे दें। एक दिन साधु बनकर के चेतन सिंह हाथ में कटारी लेकर के मैहर देवी के मंदिर में पहुंचता है और माई के मंदिरवा में माथा टेक दिया। माथा टेक करके कटारी निकाल कर खींच कर तान कर अपने गर्दन पर चलाना चाहता। खेरे माई, हमारे जिंदगी से जब चंदा जात हो तो आखिर दुनिया में रह करके का करब। हमारे पास उतना सिपाही और सैनिक ना हमन कि लड़ाई करके सज्जन सिंह की बिटिया के अपन दुल्हन बनाई। आखिर हमारी जिंदगी बेकार हो, जी के दुनिया में करब का। खेरे माई, तुहरे मंदिर में अरमान लेके आई कि अपने गर्दन का बलि चढ़ा दे। आज जब ही तान करके चेतन सिंह कटारी अपने गर्दन पर चलाना चाहता है तो तक पीछे से महोबा के सरदार उदल बहादुर आ करके गट्टा पकड़ लेलन और गट्टा पकड़ के कहे करे बचवा, हमरे रहते माई के मंदिरवा में जिंदगी काहे देथवा। दिखाई एक तर्जवा बिरहा में एकदम नई नई तर्जवा। कितिया मोर कुंवरा कन्हैया, कितिया मोर कुंवरा कन्हैया, बोला मैं बसुरिया बजाई के। कितिया मोर कुंवरा कन्हैया, बोला मैं बसुरिया बजाई के। कितिया मोर कुंवरा कन्हैया, बोला मैं बसुरिया बजाई के। कितिया मोर कुंवरा कन्हैया, बोला मैं बसुरिया बजाई के। यही का डुप्लीकेट फिट कैली तो ओरिजिनल तर्जबा। ये तो ओरिजिनल बा, एक डुप्लीकेट फिट कैली कौन ची कि अरे झलके ले जुर्मी जवनिया केकर इनकर कि अरे झलके ले जुल्मी जवनिया अवढ़निया सम्हारा गोरिया। झलके ले जुल्मी जवनिया अवढ़निया सम्हारा गोरिया। ओढ़निया सम्हारा गोरिया, अरे उतरी नथुनिया कपनिया। अरे उतरी नथुनिया कपनिया, ओढ़निया सम्हारा गोरिया। अरे झलके ले जुर्मी जवनिया, ओढ़निया सम्हारा गोरिया। लेकिन उदल चेतन सिंह का गट्टा पकड़ ले बाटन और पूछत हो करे बचवा, हमारे रहते माई के मंदिरवा में आकर अपनी जिंदगी दिहल चाहते हुए काहे बदे। तो उदल पूछत हमन की अरे उदल कहा धाई के या कवरिया। आप पकड़ के कहत बाटन की उदल कहा देखला कहा धाई के या कवरिया कटरिया न मारा। उदल कहा धाई के या कवरिया कटरिया न मारा मियावा। अरे बचवा बता दे कि कवने करनवा देला अपन जनवा। तो कवने करनवा देला अपन जनवा दस अरे धजल में फसली नवरिया कटरिया न मारा मितवा। रो रो के बतावे लगल चेतन सिंह के रे चाचा, हम तो के चिन्हत ना बाटी पहचानत ना बाटी कि तू के बाटा, लेकिन हमरे दिल का दुख पूछत हवा कि कौने कारण अपन बलि दे तली माई के मंदिर में। तो कौनो तू हमार भगवान नाना बाटा कि हमार दुख हर लेबा। हमार दुख ऐसा हो कि हमार दुख दुनिया में कोई ना मिटा सकेला भगवान के अलावा।
कला नरे तनी बताइबो करबे, कला सज्जन सिंह का बिटिया चंदा से प्यार करीला और चंदा का शादी हरिपाल राजा से तय बा। जब वो चल जाई तो आखिर मौत हमार हो जाए ओकरे आदमी उससे नीक बा कि पहलवा माई के मंदिरवा में अपन गर्दन का बलि चढ़ा दें। उदल कला एकदम बेवकूफा हुए कहा था, अरे सुन ले हमार एक बात, तय उसे प्यार करे ले, वो तो से प्यार करे ले कि वो इधर तुसुनी आवल चाहत हवे। उदल पूछलन तो चेतन सिंह बतावे लगल कैसे, एक भोरहरी के तर्ज बा यहाँ पर। अरे नगरिया में गौआ ए रौआ, कौन 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 नगरिया में। अरे सोहेला गेरुआ खा रौआ ए रौआ, कौन नगरिया में गौआ ए रौआ, कौन नगरिया में। अरे चेतन देले दोहैया ए भैया, कि सज्जन का भारी हर सेना सिपहिया, आ कैसे अकेले हम जीत लड़ैया, अरे लागल कवन उपैया ए भैया। तब तो उदल का वीर भाव फड़क गल, ललकार करके उदल कहलन करे, तुम भी उससे प्यार करते हो तो वो भी तुमसे प्यार करती है कि वही तरह। देवी के मंदिर में हाथ उठा के कसम खैले चेतन कि मैं भी प्यार करता हूं, वो भी मुझे प्यार करती है। तो उदल का वीर भाव फड़क गल, अरे चेतन सिंह सुन ले, मेरा ही नाम उदल है और आज एक बात माई के सामने प्रतिज्ञा करके कसम खाता हूं। क्या? कि बोले है उदल मोहब्बत के राही। अरे बोले है उदल मोहब्बत के राही, हमको बना लो तू अपना सिपाही, इसलिए कि मोहब्बत को बदनाम होने न देंगे और मिले दो दिलों को हम रोने न देंगे। अरे बहादुर जिगर में गर होती है हिम्मत, तो समर बीच कुदरत भी करता है खिदमत। अरे सुन ले चेतन कान खोल करके, कि तेरे सर पर सिहरा बधा कर रहेंगे और जमा जंग जौहर दिखा कर रहेंगे। सुन ले चेतन, तो के दुल्हा बना के तेरे माथे मऊर बांध के अब बारात साज के ले चलब। सज्जन सिंह से कायदे से अपन बिटिया ना तो सब यही हन, तो खून खराबा होई, खून के नदी बही, सैनिक मारल जे हन, सज्जन सिंह का गर्दन काटल जाई और जबरदस्ती उनकी बिटिया चंदा के दुल्हन बना के लियाई तेरे साथे लगा दे। अरे दुल्हन चोरी चुप के ना लियाई बे, जब लियाई तो सज्जन सिंह की दुवरिया में एकदम रगोर के लियाई। ए भैया एकदम ताव में आ गई ना उदल, और ताव में आ गई ना वो एकदम मक कैलन का तनिक पति और बढ़ा दान। कांटों पर चलने वाला केसरी, उदल तुरंत कैलन का एक छे पत्र लिख करके भेजोला सज्जन सिंह के पास, सैनिक से, सिपाही से, धावन से। कैसे? यार कांटों पर चलने वाला केसरी, यार भेजा लगन पत्रिका साथे सिंदूर माला, कांटों पर चलने वाला केसरी। धावन से उदल पत्र लिखलन और पत्र में लिखलन कि सज्जन सिंह के मालूम हो के अपन बिटिया चंदा कायदे से चेतन सिंह के हवाले कर दा, और न करवा तो खून खराबा होई, लड़ाई होई, सैनिक मारल जहन, खून का नदी बही। नीचे अपन साइन कर दलन उदल, महोबा के सरदार उदल, एक थे सिन्होरा में सिंदूर बन करके माला बन करके चिठिया धावन के भेजल है कि ले जाकर सज्जन सिंह के दे दा। और सज्जन सिंह जब पत्र पढ़लन है, भाई साहब आंख में खून उतर गल और चेहरवा एकदम लाल हो गल, गुस्सा की मारे कह रहे बाप रे बाप उदल का ही मजाल, जब तक हरे हमारे शरीर में श्वासा चलत रही तो हमरे जीते जी हमरे बिटिया के कौन उड़ार के ले जाई लड़ाई करके जबरदस्ती। अरे बोटी बोटी कट जाब, लेकिन अपने जीते जी बिटिया के जाए न दे जबरदस्ती। भाई साहब एकदम खून लाल हो गल सज्जन सिंह के, जब उदल का पत्र पढ़लन तो जवाब धलन धावन से कहा कि उदल की पाती पढ़ करके। अरे उदल की पाती पढ़ करके सज्जन सिंह धावन से बोला, है मर्द कौन जो जन्म लिया कि जबरी ले जाए डोला। अरे धावन एक बात है,
जाकर कह देना मोहबा वालों से, अरे कह देना मोहबा वालों से, अगर सरहद पर चढ़ जाएंगे तो आल्हा साथ है सारे सैनिक उदल भी मारे जाएंगे। तो ठावन की बात यह सुन करके लग गई है आग जवानी में कि अब आज ही देखा जाएगा कि कौन है कितना पानी में। कल की जाके कह दे आल्हा उदल से कि मन भक्की में पत्र तो लिख दलन जरूर, लेकिन अगर कहीं चढ़ के सरहद पागल तो केहू बच के जिंदा जाई ना। खबरिया धावन जा करके जब आल्हा उदल से बतौला भैया, तब तो एकदम आग लग गई बदन में, तो वो हरो गर्मी तो जब दोनों ओर से गर्मी रही तो का हो सुनला। अब तो लड़ैया के तैयारी बा, सज्जन सिंह अपन सेना सजावत बाटे, आल्हा उदल अपन बरतीहन के सजावत बाटन, लेकिन कैसन कैसन बरतीहा सजल तनि हाई देखला एक खेत तरज बा यहाँ पर। यही के हम नया में बदल ले बाटी, लेकिन ओरिजिनल तर्ज दूसर बा, लेकिन हम मनवलिन का कि अरे बलिया का बोली लखनऊआ का चोली निमन लागे। जितना ओहर बलिया की तरफ घुसकर चल जीबा, ओहर का बोलिया बड़ी मीठ लगे ले, तो आके अगर गरियाइबो करी हलो तो बुझाई कि कुछ साधारण बात बतियावत हम। ओहर जइबा अगर पूछबा कि भैया हाई रास्तवा कैसे जाई, तो ओहर को लोग कहें कि ना जाने तनी काजी रंगवा, हे पर चल ना जाए जी रंगवा, हे पर जाई ना जी, हे पर जाई ना जी। बड़ा मीठ लगले, प्यार लगले बोलिया। हमान के तरफ जितना यहाँ घुसकर चलेबा पछू के तरफ, तनी बोलिया कुछ करी हो जाले, पूछबा कि भैया वो रास्तवा कहाँ जाए, तो लोग कहें हो यहाँ हो पर चल जाओ, कहा हो पर चल जा। तो यही पर फिट कर लिखा कि अरे बलिया का बोली लखनऊआ का चोली निमन लागे, कि अरे मऊआली ठिठोली निमन लागे, मऊआली ठिठोली निमन लागे, मऊआली ठिठोली निमन लागे, मऊआली ठिठोली निमन लागे। अरे नुकीली नाकवाली कटिली आखवाली निमन लागे, अरे काली भलही हो साली निमन लागे। यही बतिया पर कि नुकीली नाकवाली कटीली आखवाली सुहर लागे और काली भलही हो साली निमन लागे। तो आजकल ही बिरहा में बदल करके आज एकदम चौचक हिसाब किताब के तरह चलत बा। आई तर्जवा उहे गनवा में बा जौन तर्जवा ही गावे जात बाटी कवन, कि अरे कहत बानी भारत के जननवा रे, कहत बानी भारत के जननवा रे, सजनवा हमार बड़ा लहारी। टूटल बा जी नहीं हाफत बाटे पहुंच जुटल बा, कि ट्रैक्टर चलावे गावे गनवारे सजनवा हमार बड़ा लहरी। हम बतावत रही कि वो हर से सैनिक सज्जन सिंह के तैयार बाटन, लेकिन आल्हा उदल जब बरतिहन के सजावे लगलन तो का भयल कि अरे जूटे लगल बीर मारा दाना मारे, कि अब जूटे लगल बीर मारा दाना मारे, जवानवा जुझा जंगी जूठे लगल बीर मारा दाना मारे, जवानवा जुझार जंगी जोगिया, अरे बाजे लगल मारुआ बजनवा रे, जवानवा जुझार जंगी जोगिया। बीच बीच के अच्छा अच्छा जवान जवान लड़ले में रहलन, आल्हा उदल उन्हन के बर्तिया बनौलन। जैसे हो पहलवान मतिन, हो भैया मतिन, हमरे मतिन, हिनके मतिन,
हो पहलवान मतीन, पहलवान मतीन, इनके मतीन जवान सिखिया रहा कहला तू लोग कोनो काम करना बट हटा तू छड़ा देना उन्हें छाड़ देलन। अगर काम देलन तो छोटा मोटा काम देलन, वो काम कौन चीज कि आगे आगे हमन चलत बाटी जा पीछे से तुहन जवान खाए पिए कर राशन सनबा कांवर पे लेके आई सब भैया हो ते अच्छा अच्छा भी बरतिया बन गई लन और जो सिकिहवा पहलवान रहलन तवन ढोवे ढावाला बन गई लन। तो देख ला बरात सजत बा लेकिन चेतन सिंह के आल हाउदल का बनौलन यार चेतन माथे मोर बाधा सजा ला बरातिया वाली पतिया सज्जन सिंह कैदा कन्या दनवा हो जवनवा जुझार जंगी जोगिया वीर सज गईलन चेतन के माथे मऊर बांध के आगे आगे घोड़ा पर बैठा देलन। घोड़ा पर बैठा के दुल्हा बन के चेतन चलन करे पीछे आल हाउदल पीछे से जवान सब बरतिया चल धलन एकदम लैसो के हथियार थे जा करके रीवा नगर के सरहद पर खेमागार धलन नाऊ और पंडित के भजलन। भैया हो देखा ये बरतिया लड़े जात हमन मुझे उल्टे पलटे मत लगा धलन सरहद पर रीवा नगर के तो नाऊ और पंडित के भजलन की जाकर खबर जनादा जा सुते दम से खबर जनादा सज्जन सिंह की बरतिया आ गए पानी पीले के तैयारी करें। जब नाऊ और पंडित गईला सज्जन सिंह देखला तो के बुखार चढ़ गल और गुस्सा में कहा लगल एक थे तर्ज भाई यहाँ पर हमारे एक थे कैसेटवा दिल्ली सुपर कंपनी से निकल के बाजार में समय आल बा मार्केट में ओकर नाम रखल है लंगड़ा आम खा गईलू अब खा गईलू लंगड़ा आम दाम चढ़ली जवनिया कि अरे लगेला जो बनावा बघाम काम कही आदे बुची रही। अरे एक बोल जा तोरा यही बुढ़ौती कि अरे झूली गई ना गलावा कचाम काम कही आदे बुची। सज्जन सिंह जब देख लो ये सब जरले पर नमक छिड़के खातिर आ गई पंडित और नाऊ तो गोसिया के सज्जन सिंह कहले कि अरे सज्जन सिंह के चढ़ा ल बुखार सार पाती ले बुखार सार पाती ले आइला। अरे भागा यहाँ जल्दी गवार सार पाती ले आइला। मुसुक चढ़वा करके पंडित और नाऊ को उल्टवा दिया करिखा चुन्ना पोतवा दिया कि जल्दी भगा सने जिनकी ले ले। नाऊ पंडित अपन पछौटा दे ले गन 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 करत भगल जात बाटन जा करके आल्हा उदल से जब कहलन ते आल्हा उदल का खून खौल गल। बहादुर सब लड़ाई के मैदान में बांकुरा तैयार होके कुछल पड़लन। तो एक तरफ से लड़ाई के मैदान में सज्जन सिंह का सेना और एक तरफ से आल्हा उदल का सेना तरी लड़ाई देखा कैसे होत बतने के नूर बढ़ा दा कि अरे देख ला आल्हा अरे हो मोरे रामा। अरे देख ला आल्हा उदल ऐसन जब हालातिया होई गतिया खातिर होई मौतिया। कूदी गए हो मरदनवा हर काटम मुदई न कह गरदनवा तब भागल सज्जन सिंह का सेनावा। अरे तवले हरी पाल ले आ गई लबरतिया होई गतिया खातिर होई मौतिया ना। बड़ी बहादुरी के साथ सज्जन सिंह की सेना लड़ाई करती है लेकिन आल्हा उदल की सेना बड़ी होने के नाते हार खा गई। सेना भग चली सज्जन सिंह भग चले तबले देखलन कि वो हरिया से
जौने दुल्हावा हरिपाल राजा से शादी तहत कैले हलन बिटिया कर। दुल्हा बन के बारात लहले बीरन के लहले आवत बा, देखला कि हमार ससुर सज्जन सिंह लड़ाई से भगल जात बाटन। घेर लिया हरिपाल राजा कहला रे ससुर जी, बाबा कहे भागत हवा चला, लवर चला आ गई हम। फिर लौटा लहले और सज्जन सिंह का सेना हरिपाल सिंह का सेना एक में मिल गई। अब आल्हा उदल का सेना अकेली पड़ गई। तनी तब देखा लड़ाई के अंदर का भाव, जौन हरिपाल राजा दुल्हा बा ओकरे हाथे में कंगन मरहल बा, आज वही हाथे में धनुष और बाण कृपाण कितना शोभा दे। सुनला कि अरे बाधल जवाने हाथे कंगन अरे चपला चमक जैसे बिजली के समान चमक है, चपला मने होला बिजली, तैयारे चपला चमक बन की दूनो वो राजू झारू जवनवा, अरे दूनो वो राजू झारू जवनवा, कोई ना हटे छोरी के रनवा, अरे कोई ना हटे छोरी के रनवा, अरे बनवा परछी भाला छेदे लागल छातिया होई जतिया खातिर होले मऊती। ई खबर लगल कुरैल वाला बौना डाकू के, बौना डाकू जब ही लड़ाई का समाचार पौल है अपन 500 पट्ठा लेकर के आल्हा उदल का मदद करे बदल लड़ाई में पहुंचल। आज 500 पट्ठा आल्हा उदल के सैनिकन के मिल गईलन, सेना में मिल गईलन, तो लड़ाई और जंग से शुरू हो गई। तो तनी वो समय का लड़ाई सुनला कैसे भले एकदम चार चांद लगल बसवरिया आल्हा बाब कि अरे मार मार बाजे मर बाजा, बड़ी बहादुरी के साथ दोनों तरफ से सैनिक लड़ाई कैलन। लड़ले से जवन गर्दा उड़े मालूम दे कि आकाश में बादल भर के छागल, हाथीन के मूड़ी कट कट के गेना मतीन डगरा, खून के नली नदी बह लगल। भाई साहब मजबूर होकर के सज्जन सिंह पत्र लिखलन पिथौरा करके राजा पृथ्वीराज चौहान के यहां मदद के लिए। पृथ्वीराज जब खबर पौलन सेना सजा कर सज्जन सिंह का मदद करे बदल लड़ाई में चल रहलन। कवि जी के यहां भाव लिखे के पड़ल कवन ची कि अरे बेटवा सपूत बाबू है कहलावे, कि अरे बाबू का नाम जकी करऊ जी आर, कि अरे भनवाऊ है हो जो बचाए ले मनवा, कि अरे जनवाऊ है जो कर गैरऊ पकार, अरे बिरवाऊ है हो हार मान तनवा से, अरे लेकिन मनवा से नहीं माना अपन हार, अरे साजल से करिया चौहान चली दी हल, अरे झुमे झुमे समरिया में करे लगला वार, अरे झुमे झुमे समरिया में करे लगला वार, अरे बीरवन के घेरा में लड़ाई होई गई, अरे दोनों ओर से बीरवा हो करे लजुझार। वाह वाह लड़ाई बड़ा जम के भइल, लेकिन आल्हा उदल के सेना बड़ी मनौला वहां भी लड़ाई के मैदान में। तब भयल का सुनला कि पृथ्वीराज अपन सेना लेकर के भग चलन, और जब पृथ्वीराज भग चलन तब दुल्हा जवन हरिपाल रहल जोने के हाथे में कंगन बनल बा कैले का, कि अरे दुल्हा हरिपाल अपन छोड़ के कंगनवा, अरे फेकल समरिया में ढाल तलवार, अपन कंगन तोड़ कर फेंक दिया, ढाल तलवार फेंक दिया घोड़ा पर चढ़ के पृथ्वीराज के पीछे पीछे वो भग चलल। कि जिंदगी रही तो बहुत दुल्हन मिली मेहरारू खातिर जिंदगी ना दे, आज जब वो भग चलल तो वही पीछे पीछे सज्जन सिंह भी भग चलन। लेकिन
अरे बीरवन के घेरा में घेराई गई ला सज्जन, अरे मुसुक चढ़ा के बोला उदल जुझार। उदल सज्जन सिंह के घेर कर मुसुक चढ़ा दिए, कहला बाबा तू कहां भगल जाते हो, तुही से तसली काम हो। सदिया लड़किया के कैदा सज्जन सिंह कहलन कैसे करी दुल्हवा तो भाग गल कंगन उंगन तोड़ के फेंके। उदल कहलन एक से दुल्हा हम लेके आल हई, शादी तो कैसे करे के हुई। कहलन का उदल कि बाबा देईदा कन्या दनवा, बाबा देईदा कन्या दनवा, हरे दुल्हा बा तोहरे तमनवा, आ धुमिल करा जनी नजरिया चलत की जरिया। तोहार बिटिया चंदा चेतन से प्यार करे ले, चंदा के बुलाकर सज्जन सिंह बात पूछलन, चंदा स्वीकार करती है तो सज्जन सिंह किए क्या कि चंदा से सब हाल पूछ सज्जन सिंह ठोके माथ है। अरे सौंप दिए चेतन के हाथ में चंदा का तब हाथ है, आ ले जा इज्जत का गठरिया चलत की बेरिया। गुरु बिहारी गुरु गणेश धनुदल वीर मर्दाना, राम लागू बच्चे चंद्रिका जी का केसरिया बाना हो। अरे कांटों पर चलने वाला केसरी यादव रामा कवि का रक्षक डमरू वाला, कांटों पर चलने वाला केसरी।